नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जल्द खुलेगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए पोर्टल। बिहार में अब SC ST मामलों में 60 दिनों में दाखिल करनी होगी चार्जशीट। बिहार में अभी जारी रहेगी कड़ाके की ठंड। बिहार में फूड प्रोसेसिंग और सोलर एनर्जी में निवेश होंगे इतने करोड़ रुपए। लाठीचार्ज के विरोध में BSSC अभ्यर्थियों की हड़ताल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SGPG IMS ने 905 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ ने नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ग्रेड 2 के कुल मिलाकर 905 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को बैचलर डिग्री, डिप्लोमा इन नर्सिंग और GNM विथ 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समझ जरूरी जानकारी के लिए वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट sgpgims.org.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। जल्द खुलेगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए पोर्टल। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पोर्टल अगले सप्ताह से छात्राओं के लिए खोला जाएगा, जिसमें अप्रैल 2022 तक स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस पोर्टल पर आवेदन करने वाली छात्राओं को सरकार की ओर से उनके खाते में 50,000 रुपए भेजे जाएंगे। कन्या उत्थान योजना को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें BRA बिहार विश्वविद्यालय के अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर अभय कुमार सिंह भी शामिल हुए थे। इस दौरान डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने बताया कि अब तक पोर्टल पर विश्वविद्यालय की ओर से 56 कॉलेज, 40 कोर्स और 19,187 छात्राओं का डाटा अपलोड किया जा चुका है। मालूम हो कि इस योजना के तहत उन छात्रों को भी तक लाभ नहीं मिल सका है जिन्होंने अपना स्नातक वोकेशनल कोर्स से पूरा किया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे दीपाली किशोर के बारे में। दीपाली किशोर का जन्म आज ही के दिन 1979 में हुआ था। यह एक भारतीय गायिका है। वह इंडियन आइडल 3 की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। वह बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम के साथ भी दिखाई दी और फिल्म लक्ष्य के एक समूह गीत का प्रदर्शन किया। उन्होंने फिल्म डॉन मुथुस्वामी के लिए एक गाना गाया है। गीत आई लव यू है जिसे अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया है। उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 4 में मयंक चांग के साथ ऑडिशन और रूबरूज की मेजबानी की है। उन्होंने आवाज जोशी के साथ डीडी नेशनल पर एक म्यूजिक शो भारत की शान सिंगिंग स्टार की मेजबानी की है। दीपाली महुआ टीवी पर आने वाले भोजपुरी सोप बड़की मलकाय में काम कर रही हैं। उनका नवीनतम बॉलीवुड गीत मिथुन के विपरीत की एंड का जी हुजूरी है। दीपाली ने सिंगर ऐश्वर्या निगम से शादी की है। बिहार में अब SC ST मामलों में 60 दिनों में दाखिल करनी होगी चार्जशीट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा SC ST अधिनियम 1955 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक को संबोधित करते हुए SC ST से जुड़े अत्याचार मामलों को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अब ऐसे मामलों पर स्पीडी ट्रायल की जाए और 60 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करवाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में ऐसे दर्ज मामलों पर DM और SP के द्वारा समीक्षा की जाए और पीड़ितों को तय समय पर मुआवजे की भुगतान करे। उन्होंने कहा कि त्वरित निष्पादन के लिए गठित विशेष न्यायालयों में दर्ज मामलों के तेजी से सुनवाई की व्यवस्था हो। कपिल शर्मा के शो में पहुंचे खान सर। बहुत जल्द ही पटना के खान सर TV पर सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में द कपिल शर्मा के शो में बतौर गेस्ट के रूप में नजर आने वाले हैं। खान सर वाले इस एपिसोड का एक टीजर Sony TV के द्वारा रिलीज भी कर दिया गया है, जिसमें खान सर द कपिल शर्मा के शो के दूसरे कलाकारों के साथ ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कपिल शर्मा के द्वारा खान सर से सवाल पूछा गया कि उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है जिसमें रवीना टंडन भी शामिल है, जिसके बाद वे कपिल शर्मा के सवाल पर मुस्कुराते नजर आए। इसके अलावा खान सर एक सीन में किक्कू सारदा और सुमोना के साथ भी नजर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कपिल शर्मा के द्वारा किए गए ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार खान सर वाले द कपिल शर्मा के शो के इस एपिसोड का प्रसारण 7 जनवरी 2023 को होने वाला है। समाधान यात्रा के पहले दिन CM ने कटाव का लिया जायजा। बीते दिन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत हुई है, जो कि 7 फरवरी तक चलेगी।
इस दौरान उन्होंने अपने पहले दिन की समाधान यात्रा में बघा नगर परिषद के वार्ड 16 स्थित पारस नगर के पास गंडक नदी में हो रहे कटाव रोसी कार्यों को जायजा लिया और निर्देश दिया कि नदी के भीतर बोल्डर पिचिंग से और 20 फीट आगे तक एक्स्ट्रा बोल्डर पिचिंग किया जाए। उन्होंने जायजा लेने के दौरान यह साफ कर दिया गया कि किसी भी कीमत पर नगर को गंडक नदी के कटाव से बचाया जाए। वहीं इस दौरान नीतीश कुमार ने वहां मौजूद किसानों की समस्याएं भी सुनी और पाया कि किसान गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाए जाने से काफी परेशान है, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार ने दरुआबाड़ी गांव में करीब 29 लाख की लागत से तैयार किए गए सामुदायिक भवन और वर्क सेट का शिलान्यास किया और दलित बस्ती में जाकर लोगों की बातों को भी सुना। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने खादी उद्योग को बढ़ावा के लिए मदद करने का निर्देश दिया। बिहार में अभी जारी रहेगी कड़ाके की ठंड। बिहार में लोगों को कड़कड़ाती ठंड से राहत मिलने के लिए अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी कोल्ड डे या शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर बिहार में 2 दिनों के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 7 जनवरी से राज्य में पारा और गिरने की संभावना है। ऐसे में पूरे राज्य में शीतलहर जैसे हालात होने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ का प्रभाव वातावरण में कनकनी का एहसास दिला रहा है। उत्तरी पछुआ हवा भी ठंड को बढ़ा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी में 2 सप्ताह के बाद ही प्रचंड ठंड से राहत मिलने की संभावना है। बीपीएससी 68वीं संयुक्त परीक्षा में जुड़े नए 43 रिक्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 68वीं परीक्षा को लेकर नोटिस जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बीपीएससी 68वीं के लिए विज्ञापन प्रसारण किए जाने के बाद 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आपदा प्रबंधन विभाग या सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी से 43 रिक्तियों की जानकारी मिली है, जिससे उक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों में जोर दिया गया है। यानी कि अब 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 281 से बढ़कर 324 हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी 68वीं पीटी एग्जाम के लिए आवेदन की तिथि 10 जनवरी 2023 तक कर दी गई है। गया के छात्रों ने अंतरिक्ष में ढूंढा 4 क्षुद्रग्रह। बिहार के गया जिले के सरकारी स्कूलों के छात्रों ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के तहत पूरे विश्व से 220 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिनमें से एक टीम सप्तऋषि इंडिया के तहत जिला स्कूल गया के 3 छात्र समेत गया के कुल 5 बच्चों और शिक्षक देवेंद्र सिंह को आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद इन बच्चों के द्वारा टीम सप्तऋषि के तहत 4 क्षुद्रग्रह की खोज की गई, जिसे फाइनल राउंड में सेलेक्ट कर लिया गया। इस खोज के बाद छात्रों को IASC के द्वारा बधाई दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टीम में कुल 10 छात्र और 4 ट्रेनर शिक्षक शामिल थे। बिहार में हाईकोर्ट जज के सेक्रेटरी से साइबर फ्रॉड। बिहार में दिन प्रतिदिन साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले बढ़ते जा रहे, इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है जो पटना हाईकोर्ट से जुड़ा है। दरअसल हाईकोर्ट जज के सेक्रेटरी सुनील मिश्रा के अकाउंट को हैक कर 1,38,000 रुपए फोन पे के जरिए ठगी कर ली गई है। सुनील मिश्रा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके अकाउंट से यह ठगी 25 और 26 दिसंबर को की गई थी, जिसके बाद 2 जनवरी को इस ठगी की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पहुंचकर इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति आसानी से साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकता है। सलोनी के बाद नशा विरोधी गाना गाने पर डीएम ने इन 2 बहनों को किया सम्मानित। नशा विरोधी गाना गाकर एक दिन के जिला शिक्षा पदाधिकारी बनने वाली सलोनी के बाद अब रफीगंज के खीर हिरी गांव की 2 बहनों को औरंगाबाद जिला प्रशासन ने सम्मान दिया है। दरअसल डीएम सौरभ जोरवाल ने इन दोनों बहनों का गीत सुनने के बाद उन्हें अपने पास बुलाया, उसके बाद मोमेंटो सॉल और गिफ्ट हैम्पर देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब ये दोनों बहनें इस बार गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित होने वाली कई जागरूकता अभियान के भी कार्यक्रम में शान बढ़ाएगी। मोतिहारी में 5 लाख का विदेशी शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन फिर भी आए दिन शराबबंदी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला बिहार के मोतिहारी का है, जहां से करीब 5 लाख के विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। महसी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद महसी थाना अंतर्गत ताजपुर बाड़ा एवं अमवा गाँव में विनय राय के घर, मंगल रॉय के पुआल एवं सूरज रॉय के झोपड़ी में जाँच की गई, जहाँ से पुलिस को 905 लीटर विदेशी शराब मिली। वहीं अब इस मामले को लेकर प्रशासन के द्वारा शराब कारोबारी की पहचान कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी तक तस्कर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे डुंगेश्वरी गुफा के बारे में।
प्राचीन टुंगेश्वरी गुफा मंदिर 12 किलोमीटर की दूरी पर गया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इन गुफा मंदिरों को महाकाल गुफा मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के लोगों के लिए उच्च श्रद्धा का धार्मिक स्थल है, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान गौतम बुद्ध ने बोधगया जाने से पहले इन गुफाओं में ध्यान लगाया था। यह गुफाएं काफी जटिल प्रतीत होती हैं और बौद्ध प्रतिमा को प्रदर्शित करती हैं। इन गुफा मंदिरों के अस्तित्व के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध अपनी तपस्या के दौरान बेहद कमजोर और भूखे हो गए थे। उस समय पास के गांव की सुजाता नाम की महिला ने उन्हें जलपान कराया था। यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। दो छोटे मंदिर इस घटना की याद में यहां बनाए गए हैं। मूलतः यह हिंदू धर्म से जुड़ी गुफाएं हैं, जो हिंदू देवी डुंगेश्वरी नाम से विख्यात है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग और सोलर एनर्जी में निवेश होंगे 1,000,000,000 रुपए। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के अलावा हेल्थ केयर और सौर ऊर्जा जैसे नए औद्योगिक सेक्टर में आर्थिक विकास लाने के लिए 44वीं राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में कुल 22 निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दिए गए हैं। इसके तहत हेल्थ केयर में 35 करोड़ और सौर ऊर्जा के सेक्टर में 158 करोड़ निवेश धरातल पर उतरने जा रहे हैं। वहीं अगर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बात करें तो इसके लिए अकेले 214.69 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई है, यानी कि इन तीनों क्षेत्रों में 425 करोड़ से अधिक के निवेश किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 22 निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दिए गए हैं, उनमें खाद्य प्रसंस्करण की 10 यूनिट, सौर ऊर्जा की 2 यूनिट, जनरल मैन्युफैक्चरिंग की 2, हेल्थ केयर के 6 और अन्य 4 यूनिट अन्य क्षेत्रों के शामिल हैं। लाठीचार्ज के विरोध में बीएसएससी अभ्यर्थियों की हड़ताल। बीते दिन बीएसएससी अभ्यर्थियों के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। दरअसल परीक्षा रद्द करने की मांग के साथ अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके खिलाफ प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। इसी के विरोध में बीते दिन एक बार फिर अभ्यर्थियों के द्वारा पटना में प्रदर्शन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छात्रों का कहना है कि बिहार में 2014 के बाद 2022 में पूरे 8 साल के बाद परीक्षा ली गई, जिसमें पेपर लीक हो गया। उसके बाद इस पर जांच कर पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, लेकिन सभी पालियों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक इस कपकपाती ठंड में भी हड़ताल जारी रहेगी। पंजाब में बिहारी छात्रों के साथ हुए झड़प मामले में बिहार पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पंजाब में बिहार के विद्यार्थियों की पिटाई वाले मामले में संजय सिन्हा, जो कि बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत की। छात्रों से मारपीट के मामले में बिहार पुलिस लगातार पंजाब पुलिस पदाधिकारियों से संपर्क बनाई हुई है और वहां की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस द्वारा वहां के छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर का भी जारी किया गया है। दरअसल छात्रों के साथ हिंसक झड़प की खबर फतेहगढ़ साहिब इंजीनियरिंग कॉलेज की है। स्थानीय स्रोतों से यह खबर मिली है कि 3 जनवरी की रात कॉलेज हॉस्टल में बिहार के कुछ छात्र जन्मदिन मना रहे थे और इसी बीच सुरक्षा गार्ड से झड़प हो गई, जहां बिहार के 2 छात्र घायल हो गए। बिहार में बीते दिन से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। बीते दिन से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में पहला दिन रहा, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जमुई से की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांका के मंदार में पूजा कर जनसभा की, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं इस यात्रा की शुरुआत शाम 4 बजे से की गई। मिली जानकारी के अनुसार यात्रा के दौरान हर जिले से 6 यात्री होंगे, जो कई जिलों से होकर गुजरेंगे और करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। मालूम हो कि यात्रा की शुरुआत बांका के भेड़ा मोड़ पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। बता दें कि यात्रा गया होते हुए बोधगया में जाकर खत्म होगी। नीतीश कुमार के देश यात्रा के प्लान पर सुशील मोदी का तंज। पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के बाद देश यात्रा के प्लान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को देश की यात्रा पर निकलने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन उन्हें पूछेगा कौन घास देगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी करने के सारे रास्ते अब बंद हो गए हैं, अब इससे जुड़ा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सुशील मोदी ने कहा कि एक तरफ बिहार के लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश सरकार बता रही है कि राज्य के राजस्व की स्थिति खराब है। इस बार नीतीश कुमार ने डर के कारण कोई सार्वजनिक सभा नहीं रखी है, जबकि पहले की यात्राओं में नीतीश कुमार ने रैलियां भी की थी। श्रवण कुमार, बिहार में शराबबंदी महिलाओं और सभी दलों की सहमति से लागू। शराबबंदी पर श्रवण कुमार, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी महिलाओं की मांग और सभी दलों की सहमति से लागू हुई है। महिलाएं आज पूरे देश में शराबबंदी के पक्ष में है। जदयू प्रदेश कार्यालय कार्यकर्ता के दरबार में मंत्री कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी को बिहार राज्य के तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के नेता बौखलाहट में उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने वाले वादे पर भी काम नहीं किया और इसके उलट महंगाई और बेरोजगारी ही बढ़ते जा रही है।
मकर संक्रांति के बाद बीजेपी में जाने की खबर को उपेंद्र कुशवाहा ने बताया बकवास। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है जो उनके खिलाफ उठाए जा रहे थे कि वह मकर संक्रांति के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं है कि मीडिया एक तरफ की पार्टी के लिए झुकता दिखाई दे। इस तरह की सभी बातें सिर्फ बकवास है। बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर उपेंद्र कुशवाहा अपने सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन करने वाले हैं। ऐसे में इस तरह की कयासे लगाई जानी शुरू कर दी गई थी कि मकर संक्रांति के बाद उपेंद्र कुशवाहा बड़ा धमाका कर सकते हैं। हालांकि अब उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा खुद के खिलाफ उठ रहे सभी प्रश्न चिन्हों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए गिरफ्तार। बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान को झारखंड पुलिस के द्वारा टाउन थाना के सहयोग से आरा कोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल दानिश रिजवान पर आरोप है कि उन्होंने रांची स्थित अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सहजानंद चौक के पास सुषमा बड़ाई को गोली मारी है। फिलहाल झारखंड पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर रांची ले जाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। वह इस मामले पर पुलिस का कहना है कि 13 दिसंबर 2022 को बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने अरगोड़ा थाना क्षेत्र के सहजानंद चौक के समीप सुषमा बड़ाई को गोली मारकर घायल कर दी थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सूत्र की मदद से आरोपितों की पहचान कर इस मामले में रिजवान को गिरफ्तार किया गया है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में वंदे भारत पर पथराव की खबर झूठी। वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी। अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने दावा किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर बीते दिनों होने वाले पथराव उनके राज्य में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार में यह हमला किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वे उन सभी मीडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी जिन्होंने झूठी अफवाह फैलाई है कि यह घटना पश्चिम बंगाल में हुई है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे में हमारा और हमारे राज्य का नाम भी बदनाम हुआ है। आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में ईशान किशन और दीपक हुड्डा को फायदा मिला है। बता दें कि विकेट कीपर ईशान किशन 10वां स्थान की छलांग लगाकर 23वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं अगर दीपक हुड्डा की बात की जाए तो दीपक हुड्डा भी टॉप 100 में शामिल हो गए। हुड्डा ने 40 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर 97वें स्थान हासिल कर ली है। वहीं इनके अलावा पिछले साल नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में असफल रहे थे, इसके बावजूद वह नंबर 1 पर बने हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में सूर्य के अलावा टॉप 10 में भारत का कोई भी बल्लेबाज शामिल नहीं है। वहीं हार्दिक पांड्या भी गेंदबाजी की रैंकिंग में 76वें पोजीशन पर पहुंच गए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मदर टेरेसा भारत में रोगियों और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए 1929 में अब कोलकाता आई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन 1947 में स्वीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1983 में पहली बार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली में यमुना बैंक आनंद विहार सेक्शन की मेट्रो रेलों को परिचालन 2010 में आरंभ हुआ। 1932 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर का जन्म हुआ। 1959 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का जन्म हुआ। 1966 में ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान का जन्म हुआ। 1965 में राजनीतिज्ञ एवं हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का 2017 में निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे देश में लॉकडाउन लगने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे देश में लॉकडाउन लगने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर कई खबरों का शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन लगेगा और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये सभी दावे फर्जी हैं। कोविड से जुड़ी ऐसी किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक अवश्य करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक कुमार, रंजीत सिंह, वेद प्रकाश सिंह, कुश कुमार यादव, सदुल्लाह पलवे, मृत्युंजय कुमार, अमन कुमार महतो, अनवर करीम खान, राम नरेश कुमार, रंजीत मिश्रा, नैन प्रकाश यादव, अमर आजाद, अतीक खान, रामनवमी मांझी, मोहम्मद सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।